इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आ रही है कि अकाली दल दे नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं हाई कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। दस दिए अकाली दल दे साबका मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं जमानत मिल गई है। वह 24 फरवरी तो जेल च बंद सी, जिस दौरान अज पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट तो उन्हां नूं एक वड्डी राहत दिती गई। दस दिए कि पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे डबल बेंच ने उन्हां दी रैगूलर जमानत पटीशन ते सुनवाई कीती है। फिलहाल इस ते डिटेल ऑर्डर आउणा हले बाकी है। इस दे नाल ही दस दिए कि पिछले साल विधानसभा चोणां तो ठीक पहला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली सरकार ने मजीठिया विरुद्ध केस दर्ज किया सी। केस विच कहा गया सी कि कैनेडियन नशा तस्कर सतपीत सत्ता मजीठिया दी अमृतसर अते चंडीगढ़ विच सरकारी कोठी विच ही रहिंदा रिहा। मजीठिया ने उसनूं कार अते गनमैन भी दित्ते सी ते मजीठिया चोणां लई नशा तस्करां तो फंड लैंदा रिहा। इस तों इलावा दबाव पा के नशा दवाउंदा रिहा। उसते ते नशा तस्करां विचाले समझौता करन दा वी इल्जाम लगा सी। कूड निखुटे नानका अड़क सच रही। परमात्मा की अपार कृपा ते बख्शिश दे सदका ते थोड़ी सारियां दी दुआवां दे नाल अज सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब नूं माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल दे दित्ती है। वीरो सच बहुत देर लुकाया नहीं जा सकता ते झूठ दे मैल आखिरकार ढह ढेरी हुंदे ने। 8 महीने पहला जो कांग्रेस की उस समय की सरकार ने 3 DGP बदल के 5 ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ बदल के हनेरियां रातां दे विच कमरे दे थाने जो झूठा परचा दिता सी अजो हाई कोर्ट दे विच मूहे मोटे गया। वीरो किरणा दे कातलां नूं कई बार वहम हो जाता है कि वह सूरज नूं भी लपो लैणगे, पर सूरज ते सच ये छुपाया छुपाए नहीं जा सकते। थोड़े सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने इस घड़ी दे विच सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया दा साथ दिता, श्रोमणी अकाली दल दा साथ दिता। वीरो ये दोनों सरकारां ने अड्डी चोटी दा जोर लाया, पर सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया दे खिलाफ एक मिट्टी दे किणके जिन्ना भी सबूत ये लोग अदालतां च पेश नहीं कर सके, जिदे सदका अज सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल दे दित्ती है। गल्लां बहुत करन वालियां ने, पर बाकी गल्लां सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब दे बाहर आए तो बाद करांगे। थोड़ा सारयां दा फिर एक बारी बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।